Mais avant tout, faut bouger la tête. दोस्तों मैंने शेखर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल परमानेंट हेयर पैच डेली। और आज जो मैंने वीडियो बनाया इसके अंदर मैंने अपने बाल को स्ट्रेट किया है। जैसे कभी हमारे रियल बाल हुआ करते थे हम उनको स्ट्रेट करते थे, अक्सर 30-40% लोगों के बाल इसलिए जाते हैं उन्होंने पहले कभी स्ट्रेटनर कराया था या कलरिंग वगैरह, जिसकी वजह से बाल चले जाते हैं। खैर, तो मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आते थे, वो कहते थे अगर हम अपने बालों को स्ट्रेट करें तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो मैंने इसमें अपने बालों को स्ट्रेट करके दिखाया। थोड़ा सा स्ट्रेट करने के बाद क्या होता है, जब हम बालों को स्ट्रेट करेंगे तो बाल फ्लफी हो जाता है, थोड़ा सा फ्लफी लुक देता है, जैसे कि मैंने अपने ऊपर करके दिखाया है और अच्छा भी लग रहा है। ये लुक हर किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता। जो लोग छोटी एज के हैं, जैसे 18 से 25 साल की उम्र के लड़के, उन लोगों के ऊपर ये लुक अच्छा लगता है। अगर आप इसको बालों को आगे भी गिरा लें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर हर कोई बंदा ये कहता है यार फ्रंट हेयरलाइन ना दिखे। तो इस स्टाइल में आप इसको आगे भी गिरा सकते हैं, थोड़ा सा फ्लफी लुक हो जाएगा और ये मांग भी नहीं निकलेगी, आपकी साइड से सारे बाल इधर आएंगे ये, और हल्के हल्के से आगे, थोड़े से बीच में से ऊपर। तो ये लुक अच्छा लगता है यंगस्टर्स के ऊपर।
मैं ये नहीं कहूंगा हर एज के बंदे के ऊपर अच्छा लगेगा, क्योंकि यार अब कोई 40 इयर्स का बंदा है, 40 प्लस बंदा है, इस टाइप का कोई लुक रखे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर कोई बंदा 18 to 25 एज का हो और वो थोड़ी हल्की डेंसिटी लगे तो उसके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। तो हर किसी के लिए तो हम हल्की डेंसिटी नहीं बना सकते ना वीडियो में, और कुछ की चॉइस हैवी डेंसिटी की भी होती है, तो हर किसी का सोचना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ कि हर किसी के मतलब क्यों, हर किसी को पसंद आए। तो अभी जो मैंने वीडियो बनाया थोड़ा यंगस्टर्स के लिए, कि जो छोटी उम्र के लड़के हैं जिनके बाल चले जाते हैं, मेरी भी काफ़ी छोटी उम्र थी, मेरे बाल चले गए थे 19 ईयर का था, मैंने पहली बार पैच लगा लिया था, तो उस उम्र के हिसाब से इसी तरीके का लुक अच्छा लगता है। थोड़ा सा फ्लफी हो, बाल आगे वागे थोड़े बिखरे बिखरे पड़े हों, तो ये थोड़ा लुक अच्छा लगता है, इससे नेचुरलिटी भी आती है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। अगर हो सकेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर पूरा किया जाएगा। मेरी कॉलिंग और मेरी शॉप ओपन टाइमिंग है सुबह 12 से रात को 10 बजे तक। अगर आप 12 बजे से पहले कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं कर सकते। और अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई रिप्लाई चाहिए तो मैं रात में 11 बजे के बाद ऑनलाइन आता हूँ। आपके जितने भी मैसेजेस के रिप्लाई हैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। और मेरे पास अगर आप आके विजिट करना चाहते हैं, मेरा एड्रेस है न्यू दिल्ली, लक्ष्मी नगर, रमेश पार्क, स्ट्रीट नंबर 11, शॉप नंबर 243/1।